गणतंत्र दिवस के अवसर पर गिफ्ट एकेडमी के द्वारा शहीद के परिवारों को आज सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 5 बिहार बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल विनोद जोशी और पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष मेजर राणा प्रताप और कैप्टन विकास कुमार भी उपस्थित रहे। मीना देवी, मीरा जी, शांति देवी चलते जाए। विरंदर सिंह, हरनाम सिंह, आइए आइए, ये सोल्जर हमारे श्रीलंका में भी जाकर आए हुए हैं, इनकी लड़ाई हो रही थी, श्रीलंका वाले हैं। हम क्या गणतंत्र दिवस पर पेटीएम न्यूज चैनल और गिफ्ट एकेडमी का मैनेजमेंट स्टाफ, शिक्षकगण, बहादुर भविष्य, प्यारे बच्चों, हमारी एक्सलेंसी विराजमान हैं, पत्रकार बंधु, गणतंत्र दिवस के इस पावन सानिध्य में, संध्या में आपने जो भारतीय थलसेना को याद किया है, ये बहुत गौरव की बात है। इस राष्ट्र को गणतंत्र करने में 4 वर्ष लगे हैं, 250 को सम्मिलित करके, राजाओं को सम्मिलित करके एक संयुक्त, एक गणतंत्र देश बनाने में सरदार पटेल और उनकी टीम को 4 साल कठिन तक करना पड़ा। 29 राज्यों में केवल एक राज्य अभी रह गया है, वो है जेएनयू, जहाँ पे भारत का संविधान लागू नहीं है, वहाँ रणवीर संविधान चलता है और आर्टिकल अलग है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश और सबसे बड़ा संविधान बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनकी टीम को विश्व के भ्रमण पे निकलना पड़ा, गहन अध्ययन करना पड़ा और उसके बाद ये संविधान आपके समक्ष। आज के दिन राजपथ पर विशेष कार्यक्रम होता है, 7 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज प्रधानमंत्री के साथ राजपथ पर थे और उन्हें सलामी दी है। ये
कर्नल विनोद जोशी, जिलाध्यक्ष मेजर आरपी सिंह और यहाँ पर बैठे हैं तमाम भूतपूर्व सैनिक। कहते हैं जो जवान होता है वो कभी भूला नहीं होता है और सैनिक के अंदर जो जोश होता है वो हमेशा भरा रहता है, जो कि आज मुझे दिख रहा है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके अंदर अभी भी वही जोश है, वही भी जज्बा है जो कि मैं भोजपुर की धरती पे देख रहा हूं जहां मैंने जन्म लिया। इस पावन धरती ने कई ऐसे जवानों को जन्म दिया जिन्होंने इस देश की कुर्बानी के लिए, इस देश को आजाद करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, तभी आज हम स्वतंत्र घूम रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है इसी तरीके से हम अपने देश की किसी भी कार्य को करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहेंगे और भोजपुर ही नहीं अपितु पूरे विश्व में भारत के झंडे को लहराएंगे। आज जितनी भी वीरांगनाएं और वीर नारी यहाँ पे सम्मिलित हुई है, ये गिफ्ट एकेडमी और एटीएन न्यूज की देन है और मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने इस मंच पे बुलाकर उन्हें सम्मानित किया और आने वाले भविष्य में भी इसी तरीके से वीर नारी और हमारे भूतपूर्व सैनिक जितने भी हैं उनका उसी सम्मान के साथ ख्याल रखा जाएगा जो सम्मान के साथ वो सेवानिवृत्त हुए हैं। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि मैं सेवानिवृत्त अधिकारियों और जवानों और सरदार साहबान के साथ यहाँ पे हूँ। कहीं ना कहीं हमारी जड़ें एक ही हैं क्योंकि मेरे पिताजी हैं वो भी एक भूतपूर्व सैनिक है और मुझे यहाँ पे खड़े होकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं माता रानी को खुशी खुशी से बताए अभी सर एक जोरदार तालियां हो जाए संयुक्त रूप से। अबे अपना हाथ कटाओ ना। काम संपन्न हुआ और इस पर पानी दीजिए ना, पानी दीजिए, पानी इस पर लिखवा देना एक बोर्ड लगाकर जी। प्लांटेड बाय कर्नल विनोद जोशी कमांडिंग अफसर तालियां। वो लोग शिक्षा लेगा जी 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 जी। सवाल वो नहीं होता है, सवाल आता है यही होने तो ये मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा गिफ्ट एकेडमी की ओर से कि आप अपने जन्म दिवस पे और आपके जो भी अभिभावक हो उनके जन्म दिवस पे कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाए आप, जैसे कि वातावरण दूषित ना हो सके और हम सभी प्राणवायु को शुद्ध रूप से लेते रहे। हमें पुनः आजादी से चाहूंगा कि आप मंच पे आए और कुछ बताएं आप आजाद जी। नहीं है इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सभी को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ मेजर राणा प्रताप जी को। मैं कभी भी कहीं भी बोलता हूँ कि सर मैं इस तरह का कार्यक्रम कर रहा हूँ आपको अपने साथ ग्रुप सैनिक और जो भी सैनिक शहीद हो गए उनके परिजनों को लेकर आना है तो सर मेरी बात को उठाते नहीं है और चले आते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ मेजर राणा प्रताप जी का। मैं अपने चैनल के माध्यम से हर दीपावली एक कार्यक्रम कराता हूँ। दीपावली के दिन जो छोटी दीपावली होती है उसमें एक कार्यक्रम कराता हूँ एक दिया शहीदों के नाम। उस दिन 201 दिया हम लोग शहीद के नाम से जलाते हैं और उसके उपरांत शहीद के परिवारों को हमारे चैनल सम्मानित करता है। हम अगर आज घरों में सुरक्षित हैं तो आज उन सैनिक के दिन है। अगर वो हमारे सीमे पर रक्षा नहीं करते तो आज हम सुरक्षित नहीं होते। तो कम से कम हम लोग को सैनिक को एक बार तो याद करना चाहिए।
आप सुने होंगे कि कोई सैनिक शहीद होता है तो उसके घर में राजनेता नेता बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूंगा कि सिर्फ उस दिन जाने से नहीं होगा, हमेशा उनके परिवार की हाल चाल लेते रहना चाहिए। जो हमारे देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए उनको लिए सिर्फ एक दिन हम टाइम देते हैं, जब शहीद होकर आते हैं तब नहीं, उसके बाद भी उनके परिवार के देख रेख करना हमारा दायित्व होता है। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारा वातावरण बहुत दूषित होते चला जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण, आयु प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण है। तो मैं कहूंगा कि अपने धरती को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो भी कदम उठाना है आप लोग उठाएं, जिसे प्लांटेशन करना है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो हॉर्न कम बजाएं, अगर हॉर्न बजाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है, कहीं स्कूल है वहां पर भी आप हॉर्न बजाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे है बात जो कि मैं मेरे कहने से ऊपर की बात है। तो मैं यही कहूंगा कि प्रदूषण से बचना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोगों को खुद उपाय करना पड़ेगा कि हमको किस तरह से प्रदूषण से बचना है। तो आयु प्रदूषण से बचने के लिए हम लोग प्लांटेशन का काम कर रहे हैं कहीं भी, तो इसलिए आप लोग भी अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं ताकि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो। जय जय भारत। इस बार सब छोटी दीपावली का आपको रहना होगा मेरे कार्यक्रम में, देखिए अभी आराम में है तो आ जाएंगे। आपकी तो सर मैंने करी आपको खाना नहीं, आप ही लोग चलते रुके हम हमारी बात आपने आज तक उठाया नहीं, तो वही तो हमें जो बात मैंने मन से भी वही बात कहा।